हमारे साथ गोविंद शर्मा जी, संगठन महामंत्री गंगा महासभा के हैं। किस आधार पर फिर इतने बड़े बड़े दावे आप लोग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी तो ये कंफर्म ही नहीं है कि किसने मस्जिद का निर्माण किया। अब दावा क्या करना है, अब तो सारी बातें पीछे हो गई। बाबा ने स्वयं प्रकट होकर के उद्घाटित कर दिया कि वो स्थान अभिमुक्त क्षेत्र काशी के अभिमुक्तेश्वर का स्थान है। अब कोई विवाद ही नहीं है, वो स्थान मंदिर है और अब हमको वहाँ पर तत्काल पूजा करने का और अभिषेक करने का। कैसे पता चल गया वो स्थान मंदिर ही है? मंदिर ही है, कोर्ट सर्वे के कमीशन के वहाँ पर हर हर महादेव तो सर्व कोर्ट कमीशन ने कहा अपना सर्वे हर हर महादेव का नारा लगा करके सबने स्वीकार कर लिया। और अगर वहाँ से कहा स्वीकार करे, उधर से तो एक आवाज नहीं आई। उन्होंने नहीं, देखिए तो कैसे संतुष्ट करेंगे? वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी जो बोल रहे थे मुझसे पहले, मैं नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकी के काल की मूर्ति है। सरकी बादशाहों ने तोड़ा मंदिर को, उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा और अंतिम बार जो है औरंगजेब ने तोड़ा, लेकिन हमने कभी उस स्थान से दावा नहीं छोड़ा है। 1669 से लेकर के आज तक हम लोग श्रृंगार गौरी की और उस स्थान की नंदी की पूजा करते आ रहे हैं और अब बाबा वहाँ प्रकट हो गए हैं। बाबा की पूजा का भी हमको तत्काल अधिकार मिलना चाहिए। जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर मौजूद है और सैकड़ों साल से वहाँ पूजा और अर्चना की जा रही है, वो कौन से शिवलिंग की बात है? भाग में जो भाग बनाया गया था, जो ज्ञान मापी पहले आप देखिए, वो जो श्रृंगार गौरी ना, वो भी शिवलिंग है। जो शिवलिंग मौजूद है वही असली शिवलिंग है। उद्धार कराया और वो जो मूल स्थान है जहाँ पर तथाकथित मस्जिद है, वहाँ पर नारायण भट्ट पंडित ने स्वयं काशी में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी और मुगल आक्रांताओं ने चार चार बार हिंदुओं के मंदिरों पर आक्रमण किया। पंडित अश्विनी पांडे हमारे साथ हैं, महंत है काली मंदिर मंदाकिनी तट के। क्या होना चाहिए अब इस पूरे मामले में? एक पहचान तो रही है ना वाराणसी की, यहाँ की पहचान, क्या उसको धूमिल करने की अस्तित्व ही है मोक्ष के लिए? और मोक्ष के लिए ही स्वयं शंकर ने अपने त्रिशूल से उस ज्ञानव्यापी का जो उद्घोष उसको बनाया था, और पार्वती जी को उन्होंने मोक्ष के ज्ञान देने के लिए, मोक्ष कैसे मिलेगा वो ज्ञान दिया था उसी कुंड के उसी कूप के ऊपर, इसीलिए उसका नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञान और वापी का अर्थ होता है तालाब, और इसमें लिखा गया है कि देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात उस वापी का जल जो भी कोई व्यक्ति पिएगा उसको जन्म बार बार जन्म लेने से मुक्ति मिल जाएगी। ये हमारे यहाँ पुराणों में लिखा हुआ है। ये लोग कहाँ जाएंगे फिर, जो लोग वहाँ पर मस्जिद में? ये तो पूरी दुनिया को पता है, प्रत्यक्ष इनको भी पता है, आँख से दिखता है, कोई चीज तोड़ के बनाई गई है। किरायेदार हमेशा किरायेदार रहेगा, मकान मालिक थोड़ी बन जाए। लोग किरायेदार है, मुस्लिम किरायेदार। भारत सनातन धर्मों का रहा है, सनातन धर्म रहा है, तो अगर कोई चीज बनी है तो स्वाभाविक तो प्रत्यक्ष दिखता है कि तोड़ के बना हुआ है, उसमें कोई छुपने वाली चीज। अभिनंदन चतुर्वेदी जी, वादी पक्ष के वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान वापिस श्रृंगार गौरी मामले में आप हैं, तो ये लोग किरायेदार हैं जो वहाँ पर अजान पढ़ने जाते हैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, मैं अधिवक्ता वादी हूँ, वादी अधिवक्ता। अब किरायेदार देखिए, इतिहास पूरा भरा पड़ा है ज्ञान वापी परिसर का। 1669 में औरंगजेब ने तुड़वाया था, तुड़वा के उसी मंदिर के ऊपर ढांचा केवल गुम्बज खड़ा कर दिया था। सारे अवशेष आज वहीं भरे पड़े हैं मंदिर के। इसलिए अच्छा जाएगा ना, आप लोगों से अभी याद क्यों आई? अभी तो बड़े वरिष्ठ वकील हैं, अभी क्यों याद आ गई आप? जब जागा तब सवेरा, जब आदमी जगता है समाज आज जगा है। नहीं, 2024 के पहले माहौल बना रहे शुद्ध, ये न्यायिक, एक मिनट, ये देखिए कोई एकदम शुद्ध जो है, ये गैर राजनीतिक की मुद्दा है, राजनीति का इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम लोग न्यायालय में गए हैं, न्यायालय के शरण में गए हैं और ये न्यायिक प्रक्रिया की तरह ये सारी कार्रवाई चल रही है। इसलिए जो भी न्याय मिलना है वो न्यायालय से मिलना है। इसमें राजनीति करना कि ये भाजपा का है, ये सपा का है, 2024 का एजेंडा है, ये सारे जो है केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। मूल लड़ाई जो है, एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतीक अंसारी साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब इस पूरे मामले को वाराणसी में आगे बढ़ता हुआ आप किस तरह से देख रहे हैं? हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमको पहले ये तय कर लेना चाहिए कि हम आस्था की बुनियाद पे करेंगे, पूर्वाग्रह या दुराग्रह की बुनियाद पे करेंगे, या वास्तविकता की बुनियाद पे करेंगे। क्या दिख रहा है तीनों में से? तीनों में से अभी कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए कि कमिश्नर वकील ने अभी अपनी रिपोर्ट दी नहीं है। अब वहाँ कुछ वो मिला तो कह रहे हैं कि शिव जी प्रकट हो गए। हाँ, यही जांच का विषय है ना, कि किसी ने देखा नहीं, ये आस्था का विषय हो गया कि किसी ने देखा नहीं, सबको शिव जी प्रकट हो गए। वो जो मिला है वहाँ पर जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है उसकी जांच कर पाना कि ये आइदर शिवलिंग है या फव्वारा है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब मैं एक बात बताता हूँ, अगर वो फव्वारा है तो उसमें छेद नहीं होना चाहिए, और वो उसमें मिला है, शिवलिंग में छेद नहीं होता। चले ठीक है।